दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन भक्तिमय माहौल के साथ मनाया जा रहा है। आज छठ व्रती खरना का प्रसाद बनाकर फिर उसे छठी मैया को अर्पित कर स्वयं ग्रहण करेंगे। इसी दौरान भक्त खरना पूजा को शांति और एकांत में संपन्न करते हैं। वहीं छठ पूजा की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों में रौनक रही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छठ पूजा को लेकर गहरी आस्था देखने को मिल रही है। लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और खास तौर से व्रती पूरी श्रद्धा से इस पर्व को मना रहे हैं। आज खरने के दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद तैयार करेंगे। इसे मिट्टी के चूल्हे पर या फिर गैस स्टोव पर पकाया जाता है। वहीं छठ पूजा के लिए दिल्ली के बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली के गीता कॉलोनी बाजार में भी सुबह सुबह भारी मात्रा में छठ व्रती पहुंच रहे हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को खरीदा जा रहा है। छठ पूजा के लिए खरीदारी करने पहुंची एक महिला ने बताया कि छठ पूजा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ महापर्व है, जिसको लेकर हमारा पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। साथ ही कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा सम्पन्न होगी। छठ पूजा हमारे बिहार का सब आस्था का बहुत अच्छा पर्व है। हम लोग इसको बहुत श्रद्धा और बहुत सम्मान से करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पवित्रता की महत्व है। जितना पवित्र रहिए, जितना सुच्चा रहिए, सच्चा रहिए, बस। अच्छा मैम, आज खरना पूजा है, दूसरा दिन है, आज के दिन क्या क्या विशेष होता है? आज के दिन होता है कि शाम को हम लोग नहा धो के खीर बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और खरना करेंगे, अपने घर में पूजा करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और कल फिर अर्घ पड़ेगा पहला। छठ पूजा के पर्व पर लोग घाट की साफ सफाई और सजावट करते दिखाई देते हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस बार दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए गए हैं। हालांकि कई भक्तों ने बताया कि इस बार उन्हें उनके इलाके में सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है, जिससे वे खुद अपने स्तर पर घाट का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए स्थानीय समुदाय एकजुट होकर प्रयास कर रहा है ताकि पूजा निर्विघ्न संपन्न हो सके। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि सरकार की तरफ से इस बार हमें कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए हम सभी मिलकर नजदीकी स्कूल के पास घाट का निर्माण कर रहे हैं। आज घर पर होगी, कल होगी घाट पर। अच्छा, पूजा के लिए क्या क्या विधि रहती है आज के दिन? आज तो घर पर खीर पूरी फल फूल केरा उरा ये सब रहती है और कल बहुत सारे सामान रहती है सब। दिल्ली सरकार कह रही है कि 1000 छठ घाट बनाए हैं, क्या वो लग रहा है कि बने? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं। हम लोग ने खुद इंतजाम किए, हम लोग खुद कर लिया और हम लोग 500 रुपया लगा के हम लोग ने खुद गड्ढा खनवा के खुद दिए भी स्कूल में कर रहे हैं। छठ महापर्व के चलते बाजार में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लोग प्रसाद बनाने के लिए सामग्री खरीदारी करते दिखाई दिए। वहीं इस पर्व को लेकर दिल्ली की गलियों और मोहल्लों में भी एक भक्तिमय माहौल दिखा। 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल न्यूज़।